करोड़ का ये किया जा रहा है। अब अगर अपनी जगह की हम बात करेंगे, 6 विधानसभा के अंदर में सर ये सारे एमपीज के लिए, थोड़ा इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सारे एमपीज के लिए है कि आपका जाकर के 5 करोड़ जिस समय ये हुआ था उस समय श्री दबिरगांव जी, मैं प्रारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे समर्पण करने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने का, मैं इस सदन पे विश्वास है, यहाँ उर्दू संस्कृत हिंदी का ये समुन्दर है, इस समुन्दर में मुझे डूबने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। ये जो प्रेसिडेंट के भाषण में, इसी में मुझे गीता आता है, इसी में मुझे कुरान दिखाई देता है, और इसी में मुझे बाइबल दिखाई दे रहा है, और इसी में मैं गुरु ग्रंथ साहिब दिखाई देता है। इस पार से भी इतना आवाज और हमारे यहाँ से भी इतना आवाज, लेकिन इसी प्रेसिडेंट स्पीच में यही गीता का आवाज है, यही कुरान का आवाज है, यही गुरु ग्रंथ साहब का आवाज है, ये नए भारत की आवाज है, मोदी जी का दिशा में दशा में भारत वर्ष को, भारत माता को आगे ले जाना का शब्द इधर समा है। यहाँ भूतकाल है, यहाँ वर्तमान है, यहाँ भविष्य है। मैं उस प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से, जिसको बार बार हमारे पड़ोसी क्लेम करता है कि हमारा टेरिटरी है, लेकिन मोदी जी जब भी अरुणाचल प्रदेश आता है, हमारा प्रदेश को जो हिंद का प्रदेश नाम दिया गया है, वहाँ हर कोई किसी से मिलते हैं तो जय हिंद से स्वागत करते हैं। इसलिए मैं भारत वर्ष और इस सदन को आज ये वादा करता हूँ, कोई भी भारत अरुणाचल के कोई भी ऐसा नजदीक नहीं है जो चाइना की ओर देखे, ये भारत वर्ष का हिस्सा है और भारत वर्ष की ही बेटा है। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं चेयरमैन जी, मैं देखता हूँ समय कम है, मैं दोबारा यहाँ आया हूँ पार्लियामेंट में, मैं उस पार बैठ के हम भी सिलाते थे, लेकिन उस सिलाई में कोई गहराई नहीं है। मैं उस पार बैठ के हम भी बहुत जोरदार हल्ला करते थे, लेकिन इस बार रूरल इंडिया के दिल में, आंखों में, खानों में मोदी जी का आवाज गूंजे है। उस आवाज में सबका साथ था, उस आवाज में सबका विकास था, उस आवाज में सबका विश्वास था, इसलिए हम दोबारा यहाँ सुन के आए हैं। और मैं चेयरमैन साहब ये बताना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर राज्यों में 8 स्टेट है, इसमें से आप लोगों में भी बहुत कम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। जब भी मुझे परिचय होने का मौका मिलता है, आप शिलोंग से है ना, वेरेस मेरा कैपिटल ईटानगर है, इसमें हम वंचित थे, मेघालय वंचित थे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल वंचित थे। आजादी के 70 ईयर्स में मोदी जी आने का बात ही, आज मेघालय में रेलवे क्या है, त्रिपुरा में रेलवे क्या है, और अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में 2 साल के बाद, मिजोरम में 2 साल के बाद रेलवे का नक्शा में जुड़ा है ये मोदी जी। इसलिए मोदी जी को मैं भगवान का अवतार के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने लुक इस पॉलिसी यूपीए सरकार ने दिया था, मोदी जी ने कहा लुक इससे नहीं होगा, एक इस पॉलिसी के आधार पे मुझे हमें रेलवे में जुड़े, एक इस पॉलिसी के आधार पे पहली बार गुवाहाटी से मैं अपना होम टाउन पासीघाट में फ्लाइट से लैंडिंग करने का मौका मिला, जो सपना हमारा फोर फादर्स ने देखा था, यही सपना मोदी जी ने किया है। ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर में बोगीबील ब्रिज, जिसमें हम 2 घंटे लगते थे डिब्रूगढ़ मेडिकल जाने के लिए, 9 मिनट में मैं आज डिब्रूगढ़ पहुंचता हूं, जिसमें आलूबारी ब्रिज जुड़े, दिवांग ब्रिज जुड़े, ये केवल हम पब्लिकों के लिए नहीं है, ये सीमा सुरक्षा और देश का हित में
उसी पुल से हमारा मिलिट्री जाते हैं, उसी पुल से हमारा आर्म्स एमुनेशन जाता है और हम बिना हथियार से भारत वर्ष को रक्षा करके करा। हमारा प्रदेश में आज पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, द मोस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर बाय द आज तक, इन्होंने डिक्लेयर किया ऐसा एक प्रोमिसिंग लीडर के साथ आज अरुणाचल प्रदेश है और भविष्य आने वाला काल भी ये पेमा खांडू भारत वर्ष से सबसे एक नंबर वन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये केवल बनने से नहीं होता है, लोगों का दिल में चाइना बॉर्डर में नरेंद्र मोदी जी का सिलेंडर पहुंचाया, बहुत सा ऐसे माँ बहने के दिल में आंखों में आंसू निकलते हुए सिलेंडर को पकड़ते हुए हाथ कांपते हुए ये मोदी जी ने भेजा है क्या? यही सपना था अंत दया जिसमें हमारा नरेंद्र मोदी ने चाइना बॉर्डर तक आज सिलेंडर पहुंचाया है और मेडिकल सिक्योरिटी दिया है और बहुत से टेलीकॉम में और एयर सर्विस में सारा सब किया है। तो चेयरमैन साहब, इसलिए मैं मोदी जी को मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, जब इस दुनिया में जब भी अत्याचार होता है, शायद मोहम्मद परवेज को भी इंसान के रूप में इनको भी इस दुनिया में भेजा है, जब जब यहाँ इस दुनिया में अत्याचार होता है, बत्तचार होता है, तब तब शायद राम को भी इंसान का रूप में भेजा है। मैं मोदी जी को भी उस रूप में देखता हूँ आने वाला काल का भारत को आगे करने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण हमारे प्रेसिडेंट साहब के भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसी बात नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब की भाषण में कोई अच्छाई नहीं मिली, खाली ऑपोजिशन उसकी बुराई करेंगे। ऐसी बात भी नहीं है कि सारी अच्छाइयां अच्छाई है कि ऑपोजिशन कुछ ना बोले, लेकिन हमको देखना है कि हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आज मॉब लिंचिंग का जो हाल हुआ है, कल यहां लोगों ने कहा कि वो जो है अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय नहीं बल्कि ये कहो क्या नाम है आप, जी जी, तो यही कहना है कि इस देश को, मेरा एक ही कहना है, मैं एक मिनट, मैं पुराना हूँ, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं पुराना हूँ, ये 11वां साल है मेरा, ये थर्ड टाइम है। मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे भाइयों, संभाल कर इस देश को बचाइए। देश कहाँ जा रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये देश को सिर्फ जय राम श्री राम से ही बचेगा, जय वंदे आतंक मातरम से ही बचेगा, तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? हम इनकी सुनने में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, सबका साथ सबका विकास आपने कहा, सबका विश्वास आपने कहा, मूव लिंचिंग की जो हालत शुरू हुई है इस परिस्थिति के आने के बाद, क्या सबका विकास सबका साथ इसी का नाम है? क्या मोदी जी यही देना चाहते हैं? अगर यही है तो इसके ऊपर नहीं रोक लगाएंगे जब तक मोदी जी का, पुराने बहुत साथियों को मैं देख रहा हूँ जो 10 साल से गए, 5 साल से मेरे साथ में थे, उस तरफ जो आज नहीं है उनको टिकट भी मोदी जी ने नहीं दिया, इसीलिए इन लोगों ने नफरत की हवाएं फैलाई थी। और जो आज इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है मोदी जी से आइंदा उनको भी टिकट नहीं देंगे। और मोब लिंचिंग वालों को इंसाफ मिलेगा, मोब लिंचिंग वालों को इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात सर, तलाक का मसला उठाया जाता है, मुसलमान बहनों की माँ बहनों की मजाक उड़ाने के लिए बुझाया जाता है सर, ये इस्लाम का खालिस इस्लाम का मजहब है, इसको कुरान के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर इनके अंदर शर्म है तो ये उन बच्चों की जो सर तलाक का 68% मसला तलाक हमारी हिंदू भाइयों की है, हिंदू बहनों के अंदर है, 23% मुसलमानों में, और दूसरे जो लोग हैं हमारे उन भाई है, वो बहने हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनके ऊपर कोई इंसाफ नहीं होती है, उनकी भी जरा फिक्र करें। वो बहने हैं जिनको तलाक के बुरे कामों में छोड़ दिया जाता है, सेक्स वर्कर बना दिया जाता है, उनकी भी जरा चिंता करें। 777
लोगों का केस है उसके ऊपर तलाक का इतना बड़ा वावेला मचा दिया, ये मचाने की जरूरत नहीं है। इस मसले को बैठ के हल करें और मुसलमानों का मसला हम लोग अपने कुरान हदीस की रोशनी में इसको हल करना जानते हैं मैडम। इसके बाद मैं आपको जवाब देने के लिए नहीं, मैं स्पीकर साहब के लिए बात करने के लिए खड़ा हूं। जो संजीदा लोग खड़े हो उनके साथ तो संजीदा बात करें। मैं देखिए, इस देश को शहीद भगत सिंह ने आजाद कराया, इस बात को इस देश को अशफाक उल्लाह खान साहब ने आजाद कराया, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने आजाद कराया, चंद्रशेखर आजाद ने आजाद कराया, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद कराया। आज का जो हाल है ऐसा लगता है कि इस मुल्क को किसी ने आजादी नहीं कराया। सर मैडम, मैं आपके माध्यम से मैं अपने आसाम की बात पे आना चाहता हूँ। आसाम के मसाइल में हमारे लिए जो कुछ आप देख रही है इंडस्ट्री सही है, दो ही इंडस्ट्री मैडम सी, वो इंडस्ट्री हमको मिल नहीं रही है, वो दोनों इंडस्ट्री पेपर मिल बंद कर दिया गया मैडम। हमारे यहाँ दिल का जी।